आप देख सकते हैं मैम, ये कच्चा मक्का है, ये ऐसा होना चाहिए एकदम नरम। देख सकते हैं इसका मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी नमकीन। आइए देखते हैं इसको कैसे छीलते हैं, आसान एकदम तरीका। बस एक लाइन खराब होगा, उसके बाद अच्छे से निकलेगा। ऐसे ही आप ऐसे सारा आप निकालना। ये देखिए मैंने पूरा छील के इसके दाने निकाल लिए हैं। अब गैस पे घुमाना चढ़ाएंगे, उसमें लगभग 2 गिलास पानी डालेंगे। इसमें नमक स्वाद अनुसार, ये मक्का डाल देंगे। गैस को ऑन कर देंगे। इसको चला देंगे। इसको उबलने देंगे। जब तक ये हो ना जाए तब तक इसको उबालें। आप देख सकते हैं ये कैसे खोल रहा है। ये देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल उबल चुका है। और इसको गैस को बंद करेंगे। अब इसको निकाल लेते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, इसमें से सारा पानी हम निकाल लिए हैं। अब इसमें डालेंगे मक्के का आटा, देख सकते हैं आप 2 चम्मच। और ये चावल का आटा, दो चम्मच। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिला लिए हैं। अब इसको तलने के लिए गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। अब गैस को ऑन करेंगे। अब इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे तेज एकदम। अब हम देखें ऑयल गर्म हो चुका है कि नहीं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ऊपर आ गया है निकल के वो मक्का।
डालेंगे ये मक्का। अब देख सकते हैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। फूल आंच पे चलाते हुए आप देख रहे हैं ये कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। यह अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है। ऐसे ही हम सारा इसको तल के निकाल लेते हैं। ये देखिए ये मक्का का पूरा बनके तैयार हो चुका है। ये तल चुका है। अब इसमें हम मिलाते हैं कटा हुआ प्याज। अब देख सकते हैं कटा हुआ हरा धनिया। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा। और थोड़ा सा गरम मसाला। नमक तो हम पहले डाल चुके थे लेकिन फिर भी थोड़ा सा डालते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं इसका आवाज सुन सकते हैं कि कितना ये क्रिस्पी बना है। आप इसको बना के जरूर खाएं। ये इतना स्वादिष्ट होता है कि अगर एक बार आप बना के इसको खा लें बार बार इसको बना के खाना चाहेंगे। बरसात के मौसम में ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। इसको अच्छे से मिक्स करें। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।